नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सुदर्शन। क्राइम रिपोर्ट में सबसे पहले बात उस खबर की, जिसे सुनने के बाद मानवीय रिश्तों पर से आपका भरोसा उठ जाएगा। दिल दहला देने वाली ये वारदात राजस्थान के पोकरण से है, जहां एक हैवान ने पत्नी, भाई और भाभी की तलवार से गला काट कर कर दी निर्मम हत्या। तीनों के धड़ से अलग किए हुए सिर को देखकर इलाके के लोग दहशत में आ गए। हालांकि वारदात के बाद पानी के टांके में कूदकर आत्महत्या की कोशिश करने वाले आरोपी को बचा लिया गया, जो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। जिस घर में सुबह बजनी थी शहनाई, पत्नी, भाई और भाभी की तलवार से गला काट कर निर्मम हत्या। हत्या के बाद आरोपी भी पानी की टांकी में कूदा। राजस्थान के जैसलमेर स्थित पोखरण में इस घर में सुबह शहनाई बजनी थी। घर में रहने वाले रेवतराम की दोनों बेटियों की शुक्रवार 20 अप्रैल को शादी होनी थी, लेकिन गुरुवार रात को परिवार में कुछ ऐसा हुआ कि जिससे इलाके में लोग दहशत में आ गए। शादी की एक रात पहले घर की छत पर सोए रेवतराम, उसकी पत्नी कमला और रेवतराम की भाभी की किसी ने तलवार से गला काट कर हत्या कर दी। लोग ये जानकर सकते में आ गए कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि रेवतराम का सगा बड़ा भाई दुल्ली राम निकला, जिसने तीनों का सिर तलवार की वार से धड़ से अलग करने के बाद खुद भी पानी के टांके में कूदकर आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन उसे बचाकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फलसुन थाना क्षेत्र में ट्रिपल मर्डर कल रात में करीब 2 से 4 बजे के बीच में, करीब 3 बजे कहा जा सकता है, 3 बजे हुआ, जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी, अपने भाई की पत्नी का मर्डर कर दिया और उसके पश्चात थोड़ी दूर पे एक कुआं था जिसमें जाकर कूद के आत्महत्या की कोशिश की। पुलिस को पता चलने पर पुलिस मौके पर गई और उसको उसके साथ साथ ये भी पता चला है कि कहीं ना कहीं उसका जो है कि मानसिक रोग के ट्रीटमेंट चल रहा था, तो वो भी एक रीजन। तीनों निर्मम हत्याओं के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। हत्या के वक्त जोर जोर से चिल्लाया हत्यारा दुल्ली राम। हत्यारे की आवाज सुनकर खुली मेहमानों की नींद। हत्यारे दुल्ली राम को बताया जा रहा है मानसिक रोगी। हालांकि मानसिक रोगी होने की अभी नहीं है पुष्टि। दुल्ली राम जब अपनी पत्नी, भाई और भाभी की हत्या कर रहा था, उस समय वह जोर जोर से चीख भी रहा था, जिसका शोर सुनकर शादी में आए मेहमानों की नींद खुल गई। हत्यारे दुल्ली राम ने वारदात के बाद पानी की टांकी में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे बचा लिया और अस्पताल में भर्ती करवा दिया। हत्या के कारणों का फिलहाल कोई पता नहीं चल पाया है, लेकिन हत्यारे दुल्ली राम को मानसिक रोगी बताया जा रहा है, लेकिन उसके मानसिक विक्षिप्त होने की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस कर रही है मामले बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और इसको लेकर खुलासा भी जल्द कर देगी, लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बदलते परिवेश में, बदलते मानव के स्वभाव में जो बदलाव हुआ है, उससे समाज में अपराधों का ग्राफ पड़ रहा है और मानवीय रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली उसी की परिणति कही जा सकती है। क्राइम रिपोर्ट के लिए पोखरण से सुरेंद्र केवलिया की पड़ताल।
क्राइम रिपोर्ट में अब बात रतलाम की करते हैं, जहां तमाम सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों के बावजूद सेक्स रैकेट का गोरख धंधा दिन दोगुनी और रात चौगुनी रफ्तार से फल फूल रहा है और पुलिस के लिए एक चुनौती बन गया है। आलम यह है कि यहां नाबालिग किशोरियों को देह व्यापार के दलदल में धकेला जा रहा है। नाबालिगों से देह व्यापार की इस वारदात ने सभ्य समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। रतलाम में नाबालिग देह व्यापार पुलिस के लिए बना चुनौती। पुलिस ने 10 युवतियों समेत 18 को किया गिरफ्तार। 10 में से 2 नाबालिग किशोरियां, 8 ग्राहक। परवलिया इलाके में लंबे समय से मिल रही थी शिकायत। रतलाम में नाबालिग यानी कम उम्र की लड़कियों को वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेले जाने की